नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग काफी खुश होने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाने वाले हैं, वो भी राशन कार्ड की मदद से। भले ही आपका लिस्ट में नाम ना हो, दोस्तों पहले क्या होता था, जिसका लिस्ट में नाम होता था केवल वही राशन कार्ड बना सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार की न्यू योजना के तहत जो कि 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गई है, इस योजना के तहत अब आप चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, अब आप घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, वो भी मोबाइल से बिल्कुल फ्री में। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसके पीछे एक क्राइटेरिया है कौन लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते हैं अभी इस टाइम पे, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा नाम है करण और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर करण टेक्निकल पर। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली फ्री योजनाओं का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साइड में भी आपको दिखाई दे रही होगी, आप यहां से हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अभी जब हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे तो बहुत से लोगों का फोटो मैच नहीं होगा, तो फ्रेंड मैं प्रूफ के साथ आज फोटो मैच करके दिखाऊंगा, 100% फोटो मैच होगा आपका आयुष्मान कार्ड बनाते समय। ठीक है फ्रेंड, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, तो फ्रेंड्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल की मदद से आयुष्मान कार्ड घर बैठे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप पहले स्किप कर देते हैं और फिर बाद में आते हैं कि ये बन नहीं रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको होना चाहिए तभी आपका ये आयुष्मान कार्ड बनेगा। पहले आप वीडियो को पूरा देख लें, बिना स्किप किए मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको ये ऐप जो अभी हमने डाउनलोड किया है आयुष्मान ऐप, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और आपको यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर लिखा है अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आपके सामने नीचे एक लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर लिखा है सामने लॉगिन एस ऑपरेटर। अगर फ्रेंड्स आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो आप ऑपरेटर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है, आप अपना खुद ही बनाना चाहते हैं, तो आप बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, पहला है मोबाइल नंबर। फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे अपना और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास ओटीपी आएगी, उसको हमें नीचे डालना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मोबाइल नंबर डाल के और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हमें नीचे यहाँ पर इसमें ओटीपी डालनी है, तो हम यहाँ पर हमारे पास जो ओटीपी आई है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। फ्रेंड्स हमने ओटीपी डाल दी है, उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, तो हम यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स हमने क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये 30 सेकंड या 1 मिनट भी लग सकता है जिस हिसाब से आपके डाटा चलेगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया पेज आ गया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना जो आयुष्मान कार्ड है वो सर्च करना है। तो हमें सबसे पहले अपनी स्टेट डालनी है, तो हम अपनी स्टेट को आपकी जो स्टेट हो इसमें से वो सिलेक्ट कर ले, मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको PMJAY को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप राशन कार्ड से सर्च करना चाहते हैं तो फैमिली आईडी पर क्लिक करें, अगर आप आधार कार्ड नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर सर्च करें, अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप नेम को सिलेक्ट कर लें, अगर आप गाँव की लोकेशन के हिसाब से सर्च करना चाहते हैं तो रूरल सिलेक्ट कर लें, अगर आप शहर से हैं शहर की लोकेशन के हिसाब से सर्च करना चाहते हैं तो आप शहर के अर्बन सिलेक्ट कर लें। तो मैं अभी राशन कार्ड से सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर फैमिली आईडी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही फ्रेंड्स हम उस पर क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हो वो आप सिलेक्ट कर लें। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद इसमें हम अपने जो है फैमिली आईडी डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर अपनी राशन कार्ड आईडी डाल देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर हमने फैमिली आईडी डाल दी है, अब हम यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स हमने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, जैसे ही हमने क्लिक किया वैसे ही हमारी जो आ गई है फैमिली आईडी मैंने डाली थी, उसी के हिसाब से जितने भी उस आईडी में जितने भी राशन कार्ड में मेंबर जुड़े हुए हैं वो सभी आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें 8 मेंबर हैं, तो ये सभी लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें इनका एक एक करके बनाना है। अभी ये देख सकते हैं ऑरेंज कलर से हैं, जैसे ही इनके बनते जाएंगे तैसे ही ये ग्रीन हो जाएंगे। तो हम सिंपली बनाने के लिए तो सबसे पहले वाले पर हम आइडेंटिफाइड वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड से करेंगे, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो आप फिंगरप्रिंट से, अगर आपके पास स्कैन करने वाली मशीन है तो आप स्कैन करने वाली मशीन से कर सकते हैं, या फिर आप फेस से भी कर सकते हैं, इसमें फेस का भी ऑप्शन दे रखा है। तो मैं आधार के OTP से करना चाहूँगा तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है और इस पर टिक लगा देना है और अलाउ कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके लिंक है उस पर OTP गया है, उसको आपको डालना है। फ्रेंड्स हमने OTP डाल दी है, उसके बाद यहाँ पर ये OTP ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, डन हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है, यहाँ पर लिख के आ गया यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन एज फैमिली मेंबर, प्रोसेस टू क्रिएट कार्ड। अब हम जो कार्ड है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने एक नया पेज आ गया है, अब हम EKYC करेंगे। तो फ्रेंड्स एक एक करके सभी मेंबर की EKYC करनी है। तो यहाँ पर EKYC आप किससे करना चाहते हैं, आधार कार्ड से, फिंगरप्रिंट से, या आयरिस मशीन से, या फेस से। तो मैं आधार कार्ड से करना चाहता हूँ, आधार OTP से, तो मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड जिसका भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो वो फेस से भी कर सकता है, या अंगूठे की मशीन जो आती है आपको पता ही होगा उससे कर सकते हो। तो हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा थोड़ी देर। तो फ्रेंड प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास फिर से OTP आएगा, तो हमें फिर से OTP डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने OTP डाल दिया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। तो हमें थोड़ा वेट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है तो हमें थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उनको मैच करना है एक एक करके। यहाँ पर लिख के आ गया है बेनिफिशियरी फोटोग्राफ, यहाँ पर हमें फोटोग्राफ को कैप्चर करके यहाँ से और मैच करना है। फ्रेंड्स मैं अभी आपको विद प्रूफ के साथ कि मैच होता है या नहीं होता, बहुत से लोग जो फोटो को EKYC करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो फोटो मैच नहीं होता है। मैं आपको प्रूफ के साथ मैच करके दिखाऊंगा, वो भी एक ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स ऐसे मैच नहीं होगा, मैं अभी आपको ट्रिक के साथ मैच करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स तो इसके लिए मैं ट्रिक आजमानी है तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको दूसरे मोबाइल पर सेंड कर देना है, कोई आपके पास दूसरा मोबाइल हो उसको क्रॉप करके सेंड कर देना है। उसके बाद अब आती है कैप्चर करने की बारी, तो आपको यहाँ पर सिंपली कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको उस मोबाइल में वो फोटो को खोल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको उस मोबाइल की फोटो को अच्छी तरीके, तो फ्रेंड्स अब हम टिक कर देंगे इसको, ठीक है फ्रेंड। टिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा वेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ गया है साफ साफ, इमेज डज नॉट मैच विद EKYC डाटा, प्लीज़ कैप्चर अगेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिख के आ गया कि फ़ोटो मैच नहीं होगा, चाहे आप कोई भी ट्रिक अपना ले, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी यूट्यूब पे, लेकिन फ़ोटो मैच नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, चाहे आप रियल कैमरा से फ़ोटो खींचे या किसी दूसरे मोबाइल का फ़ोटो लगा कर खींचे, जिस प्रकार से मैंने प्रोसेस दिखाई, लेकिन फ़ोटो मैच नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको रियल में 100% फोटो मैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में बताया कि मैं फोटो मैच करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स फोटो मैच करने के लिए आपको चलना पड़ेगा PC की स्क्रीन पर, क्योंकि मोबाइल से फोटो मैच नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी PC की स्क्रीन पर और आपको 100% फोटो मैच। तो दोस्तों हम आ गए अपनी PC की स्क्रीन पर,
उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आपके पीसी में या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउजर हो उसको आप ओपन कर सकते हैं। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। तो फ्रेंड्स हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है, सर्च करना है बेनिफिशियरी nha.gov.in। फ्रेंड जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वाली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही इस वाली साइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डाटा थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब हम आ गए अपनी पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर जिस प्रकार से आपने मोबाइल में लॉगिन किया था उसी प्रकार बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पीसी में भी लॉगिन कर लेना है। आपके पास पीसी हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, किसी कोई भी चीज हो, आप उसमें इसी प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। ये नई वेबसाइट है, अभी अभी चालू हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर अगर ऑपरेटर आईडी है तो ऑपरेटर से कर लेना, नहीं बेनिफिशियरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर आप लॉगिन कर ले। तो मैं जल्दी से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। जिस प्रकार से हमने मोबाइल में लॉगिन किया है सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगी, सेम प्रोसेस पीसी में भी लॉगिन कर लेंगे। हमने वेरीफाई कर लिया, अब हम जल्दी जल्दी इसको लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है, जिस प्रकार से आपने मोबाइल में किया है उसी प्रकार से करना है। मैंने इसको ब्लर इसलिए कर दिया है क्योंकि ये पर्सनल चीज होती है, इनको दिखा नहीं सकते। अगर इनको मैं शो कराता हूँ तो मेरे चैनल की जो वीडियो है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी मेरी वीडियो डिलीट हो गई इसलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, चाहे आप लैपटॉप में करें, चाहे पीसी में करें, चाहे टैबलेट में करें, और चाहे आप मोबाइल में करें, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी लॉगिन करने की। तो हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लॉगिन कर लिया, उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस की तरह मोबाइल की तरह ही यहाँ पर इसको चालू करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेट डालेंगे, आपकी जो स्टेट हो वो आप डाल लें, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो PMJAY ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हो वो आप सेलेक्ट कर लें, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली आईडी को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम राशन कार्ड से कर रहे हैं, और यहाँ पर हम फैमिली आईडी नंबर जो राशन कार्ड नंबर है उसको हम डाल देंगे। फ्रेंड्स फैमिली आईडी इसलिए सर्च किए क्योंकि हम फैमिली आईडी से ही बना रहे हैं। तो हमने राशन कार्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर हमें अभी सबके राशन कार्ड जो है वो आयुष्मान कार्ड है यहाँ से बनाने। तो यहाँ पर हम एक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्शन वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे तो EKYC का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाएंगे और अलाउ कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर OTP डाल दिया है। जैसे ही हम OTP डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक लोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर देंगे इसको, तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर EKYC के तीन ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड, आधार, OTP। तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यस वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और अलाउ कर देंगे। फ्रेंड्स ये प्रोसेस मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखा चुका हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाली है। तो यहाँ पर हम OTP डाल देंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल सेम मोबाइल की तरह है, जो मैंने मोबाइल पे की थी वही होनी है। ठीक है फ्रेंड, तो भाई प्रोसेस मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही हमने OTP डाली वैसे ही हमारे सामने एक नया पेज आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फोटो को मैच करना है। यहाँ पर जो मोबाइल में डिटेल्स मांग रहा था वही यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम कैप्चर करके आपको दिखा देते हैं अब कि फोटो मैच होता है या नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मैच करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फोटो को लगा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो मैच हो चुका है, कुछ भी रेड कलर से लिख के नहीं आया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कहीं पे फोटो का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था कि फोटो भी मैच करना है, लेकिन जैसे ही हम जो जो चीज फिल करते जाएंगे यहाँ पर रेड कलर से नीचे जो है वो गायब होता जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो फोटो कैप्चर किया है मैंने भाई, ये मैच हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैं मोबाइल में करने की कोशिश कर रहा था, मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन जो मैच नहीं हो रहा, चाहे आप किस कोई भी ट्रिक अपना लें लेकिन ये मोबाइल से मैच नहीं होगा क्योंकि ये साइड प्रॉब्लम आ रही है, ये मोबाइल से मैच नहीं हो रहा है। किसी किसी के साथ मैच हो जा रहा है लेकिन हर किसी का मैच नहीं हो रहा है। आप चाहे किसी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये मोबाइल से मैच नहीं होगा। तो इसको मैच करने के लिए आपके पास या फिर लैपटॉप होना चाहिए या PC होनी चाहिए या आपके पास टैबलेट होनी चाहिए।
अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफे पर जाकर वो वहां से अपनी जो की फोटो कैप्चर है ये मैच करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये मोबाइल से नहीं होगा, या फिर आप 2-3-4 दिन का वेट कीजिए, या जब भी साइट चलती है तब आप जो दिन में 1-2 बार चेक कर लीजिए कि आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, मोबाइल से मेरा मैच नहीं हुआ है इसलिए मैंने ये आपको पीसी से करके दिखाया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैंने ब्लर कर रखी है इसलिए क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल में भी दिखा चुका हूँ। आप अपने मोबाइल में बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझते जाएं। ठीक है फ्रेंड, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, और ये साइड में भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम ओटीपी को डाल देते हैं, तो हम जल्दी से ओटीपी को डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, तो हम जल्दी से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिलेशन में सेल्फ रहेगा, आप जो रिलेशन में वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हमने पिन कोड डाल दिया है, स्टेट सिलेक्ट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट है। उसके बाद रूरल अर्बन में आप गांव से हो तो रूरल सिलेक्ट कर लें, और शहर से हो तो अर्बन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपनी सब डिस्ट्रिक्ट डाल दें, और उसके बाद आपको अपना विलेज सिलेक्ट करना है, आपका जो विलेज हो वो आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं अपना गाँव का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है EKYC इज कम्प्लीटेड एंड आयुष्मान कार्ड इज रेडी फॉर डाउनलोड। लेकिन फ्रेंड्स, ये अभी डाउनलोड नहीं होगा और ओके। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये आपका हमारा जो आयुष्मान कार्ड है उसकी EKYC हो चुकी है, लेकिन फ्रेंड्स 1 घंटे 2 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी ये तुरंत डाउनलोड नहीं होगा, ये 24 घंटे के बाद आप चेक कर लें, या 1-2 घंटे के बाद चेक कर लें, या 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर आपका आयुष्मान कार्ड जो बनकर है वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपके जितने भी मेंबर हैं उन सबका ईसीएम का EKYC आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर अभी आपको शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी जो मैंने EKYC की वो आपको शो नहीं कर रही होगी, ये आप 1 घंटे या 24 घंटे के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम उसी पेज पर वापस आ चुके हैं। ये मैंने 2 घंटे बाद पेज ओपन किया है और मैंने ब्लर कर रखा है इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इनका एक्ट्रेस का मैंने 2 घंटे पहले वेरीफाई किया था, EKYC की थी, और ये देख सकते हैं ग्रीन कलर से वेरीफाई लिख के आ चुका है और इनका अप्रूव भी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड अब मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा, तो उसके बाद हम वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे और इस पर यस करके अलाउ कर देंगे। उसके बाद OTP आएगा हमारे नंबर पर, तो हम यहाँ पर OTP को डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम OTP को डाल देते हैं, तो हमने OTP को डाल दिया, उसके बाद हम ऑथेंटिकेट कर देंगे, तो हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो कार्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ गई हैं, तो हम यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम यहाँ से अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने शुरू बताया था कि कौन लोग इस कार्ड को नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में 6 से कम लोग हैं तो आप इस कार्ड को नहीं बना सकते हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में 6 लोग हैं या 6 से अधिक लोग हैं तभी आप इस कार्ड को बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप थोड़ा वेट कर लें, बाद में शायद सभी के लिए लागू हो जाए 1-2 महीने के अंदर। अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स 6 लोग होने पर ही कार्ड बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, लेकिन भले ही आपका लिस्ट में नाम ना हो फिर भी आप इस कार्ड को बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स,